कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे। मैं? हाँ, उस दिन रेस्टोरेंट में आप आए और Oh my God! मैंने आपको देखा और आपसे बात नहीं की। I'm really very sorry for that. Actually मेरे साथ कुछ क्लाइंट्स थे, वरना मैं आपसे और आपके दोस्त से जरूर आकर मिलता। Sorry, I'm really very sorry for that. इसका मतलब आपको उस बात का बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? I mean, बुरा लगना चाहिए था क्या? नहीं, मुझे लगा आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? My God, आप भी क्या क्या सोच लेती हैं। देखिए, अगर अभी से गलतफहमी होगी तो जिंदगी कैसे निभेगी? अभी तो हमने एक दूसरे को समझना है, ताकि शादी के बाद ना तो आपको मुझसे कोई शिकायत हो ना ही मुझे आपसे। मैं आपको वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी उम्मीद एक नई नवेली दुल्हन करती है। कितना गलत सोच रही थी नाहर के बारे में। मुझे नील के साथ देखकर भी उन्होंने बुरा नहीं माना, नील को मेरा दोस्त कहा। नाहर की सोच और उसे कितनी अलग है। क्या सोचने लगी आप? देखिए भाई, मैंने अपनी गलती मान ली, पर आप प्लीज आप भी भूल जाइए। बट वेट वेट, आपका इस तरह बार बार ख्यालों में खो जाना कहीं आपकी आदत तो नहीं है? भाई ऐसा है तो शादी के बाद आपकी जिंदगी ख्यालों में बीत जाएगी और मेरी जिंदगी आपको मनाने में। अरे आप इस तरह, भाई कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं ना। अच्छा सुनो, बातें बहुत हो गई, अब कुछ शादी के बाद के लिए भी तो छोड़ो। देवर जी, सलोनी सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं आई है यहाँ, बाहर इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं उसे मिलने के लिए। अब चले, चलो 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 चलो, चलो नहीं चलो, देवर जी आइए, चलिए। नील, रोहित, तुम कैसा रुझान? कब आया? आया तो मैं कल ही था, इनफैक्ट मैं तुझसे कल ही मिलना चाह रहा था, बट यार डेड टायर्ड, 16 घंटे की फ्लाइट, वाज हेवीली जेट लैग, और मैं तुझसे घर ही मिलने जा रहा था। एंड सी, आई फाउंड यू। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़, ये बता वेरी सलोनी? तुम लोगों ने तो अब तक शादी कर ली होगी। मैं बाहर क्या गया, तुम तो भूल गए यार मुझे। I mean, एक मेल तो कर ही सकते थे। I mean, we are friends. तो stop it, रोहित। क्या हुआ यार नील? नील, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ यार, क्या हुआ, क्या बात है? सलोनी की सगाई हो गई। ये हमारे ताया जी हैं और ये बड़ी मासी और ये मामा जी। अब तो सबको जान गई ना, पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब मैं जाऊं? अरे ऐसे कैसे जाने दे भाई, पहली बार हमारे घर पे हमारी होने वाली बहू आई है, कोई गाने बजाने की कोई महफिल सजाई जाए कि नहीं? कला, मेरी ढोलक लेकर आओ। देखिए, हम लोग जब भी खुश होते ना तो गाने की महफिल सजाते हैं। आप रुकिए, आपको तो हम रोज सुनते हैं, आज हम सलोनी को सुनेंगे। हाँ, भाभी साहब गाती भी है। गाती भी है और बहुत सुर में गाती है। मैं इसको पहली बार मंदिर में मिली थी, वहाँ ये गाना गा रही थी और तब से मैं इसकी आवाज की दीवानी हो गई। ये बात है? तब तो सलोनी बेटा, तुम्हें हमें गीत सुनाना ही पड़ेगा। एक मिनट, इससे पहले नाहर मामा गाएंगे। हाँ प्लीज गाइए ना।
अरे हाँ हाँ नहर गाओ ना। नहर सलोनी के लिए सही, कुछ हो जाए गाओ नहर। चाहिए ना इतना शर्मा क्यों है। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन डोले सुन ये बदन, धड़कन बनी जुबान। बस 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 भाई साहब। भाबो पंडित को बुलाकर शादी की मुहूर्त निकाली जाए। हाँ जरूर। नाहर बेटा, इससे पहले कि सलोनी इतने सारे अजनबियों के बीच अकेला महसूस करके रोने लगे, इसे घर छोड़ाओ ना। जी। वैसे अब क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है, सलोनी की सगाई हो चुकी है, बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। तेरा क्या होगा? मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसकी सिर्फ सगाई हुई है, कोई शादी नहीं हुई, जो सर हौसला पस्त करके बैठा हुआ यार। वो किस्सा खत्म हो चुका है। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? और एक मिनट नील, इधर। किसे झूठ बोल रहा है यार? नील तू उसे इतना चाहता है यार, इतना प्यार करता है, तो चुप क्यों बैठा है यार? अभी वक्त है नील, अभी सगाई टूट सकती है। ऐसा मत कहो रोहित, उसके परिवार वाले इतने खुश है, मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहता। और तुम्हारी खुशी वो कोई मायने नहीं रखती? कम ऑन नील, क्या जिंदगी भर भुला पाएगा उसे? तेरी जिंदगी का सवाल है। एंड ट्रस्ट मी, जितना मैं सलोनी को जानता हूँ, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस शादी से वो भी खुश नहीं होगी। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं सलोनी को। बात अब भी बन सकती है यार, जरूरत है तो सिर्फ एक कोशिश करने की। सलोनी को अपना फैसला बदलना ही होगा यार। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आप बुरा ना माने तो आप इस शादी से खुश तो है ना? देखिए, अपनी खुशी की और अपनी मर्जी की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस शादी से कोई भी परेशानी है तो आप कभी भी मुझसे कह सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अचानक ये सवाल क्यों पूछा आपने? क्योंकि आप खुश नजर नहीं आ रही, एक अजीब सा डर, एक झिझक सी है, घर पे भी मुस्कुराहट तो देखी आपके चेहरे पर उस पर भी उदासी का साया था। आप गलत सोच रहे हैं, कोई परेशानी या उदासी नहीं है, लेकिन एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर किसी दूसरे परिवार को अपनाना आसान नहीं। बचपन की यादों और माँ बाप से बिछड़कर एक नए संसार में आंखें खोलना, नए रिश्तों में बनना, उन्हें समझना, समय तो लगता ही। तो इसका मतलब आप ये शादी अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से कर रही हैं? जी। चलो अंदर नहीं आएंगे? नहीं, आपने देखा ना घर पे कितने लोग आए हुए हैं, फिर कभी। एक मिनट, बातों बातों में मैं आपका गिफ्ट लाना तो भूल ही गया, आप बस एक मिनट रुकिए, मैं भी आता हूं। जस्ट वन मिनट। सलोनी,
सलोनी, मेरे कुछ सवाल है और उसके जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो और तुम्हें जवाब देना होगा। नील, तुम यहां से चले जाओ। सलोनी, तुम एक साथ दो दो जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रही हो? नील, भगवान के लिए यहां से चले जाओ। मेरे सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे सलोनी। सलोनी, क्या बात है, इतने घबराई क्यों लग रही है? कुछ नहीं, ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? ये हमारी पहली मुलाकात की निशानी। अब मैं चलूं? बाय। अरे भाभी, अभी तक सलोनी नहीं आई। आपका जिगर का टुकड़ा। अरे आहा, आ गई मेरी बच्ची। बड़ी देर लगा दी बन्नू ने। क्या बनने के साथ बहुत सारी बातें कर रही थी। देख बेटा, एक बात कहूं, बैठ जा। अगर सारी बातें अभी खत्म कर लेगी ना, तो बाद में मेरे देवर देवरानी सा हाल हो जाएगा। कि साथ तो बैठे हैं पर बात क्या करें। अरे टेंशन मत लो, मजाक कर रही थी बाबा, माफ कर दो। ये बता, होने वाली ससुराल में क्या हुआ? अच्छा, मन्नो भाभी से पर्दा। कोई बात नहीं बेटा, तुम ना भी बताओ तो चलेगा, क्योंकि मन्नो भाभी तो सब जानती है। तुम्हारे उस घर में पांव रखते ही फूलों की बरसात हुई होगी। फिर सब औरतें एक दूसरे के कानों में कुछ कहकर हंसने लगी होंगी। और फिर तुम्हें नाहर सिंह के कमरे की तरफ ढकेल कर सब दरवाजे पे कान लगा कर सुनने लगे होंगे। आप ये सब कैसे जानते हैं मनुआ भी? अरे बेटा, जितनी उम्र नहीं है ना तुम्हारी, उससे दुगनी बाराते देखी है मन्नो भाभी ने। सब खबर रखती हूँ। बहुत खुश हूँ मैं अपनी सलोनी के लिए, दिल से, कसम से। जन्म सुधर गया मेरा। बेटी को इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी लाडू के जीवन में खुशियां हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बसा ले। नाहर जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। राज करेगी हमारी। सलोनी बेटा, तू कुछ बोल नहीं रही है, सब ठीक तो है ना? बेटा घर पसंद आया ना तुझे? बहुत घबराहट हो रही है मन्नू भाभी। इतना बड़ा घर, उनके तौर तरीके भी अलग हैं। मैं निभा सकूंगी ना वहां? बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहां हैं? बल्कि मैं तो ये कहूं देवर जी, पंडित जी को कल ही भुला के ब्याह की तारीख निकलवा लो। खुशियों को ज्यादा देर तक दरवाजे पे रोक के रखना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं कब किसकी आंख की किरकिरी बन जाए आपकी खुशियां। बहुतों के दिल दुखे हैं इस रिश्ते से। कम नहीं है ऐसे लोग जिन्हें सलोनी के चेहरे पे मुस्कुराहट भली नहीं लगती। पर थारी दहू ने सलोनी की जिंदगी में खुशियां आनी थी सो आ गई। अब वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। शेरो शायरी भी कर लेती है।
अभी तो तुम हमें अच्छी तरह से जानती नहीं बहू रानी, थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत खुश है ना सब, जैसे खजाना हाथ लग गया। और वो मन्नो भाभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे नाहर सिंह से अच्छा रिश्ता दुनिया में है ही नहीं। मुझे ताने सुना रही खबेरी को। मैं भी देखती हूँ मन्नो भाभी आपकी इन बातों में मिर्ची जैसा तीखापन कब तक रहता है। इस घर में खुशियां तो आ गई लेकिन मेरी मर्जी के बगैर, और मैं उन्हें इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। हाँ कावेरी बेटा कैसी हो? बस पूछे मत। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर टेंशन किस बात की है? है? मैं तो ये सोच ही नहीं सकता हूँ कि मेरी बेटी का दिमाग काम न करे। बोलो क्या बात है? नाहर सिंह की फैमिली बहुत अकड़ रही है और साथ साथ इस घर के लोग। नाहर सिंह नहीं होगा कहीं का राजा हो गया और उस जैसा रईस इस दुनिया में ही ना हो। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा डैड। अरे बेटा, इन छोटे लोगों में यही तो बुराई है कि एक दिन का मिला नहीं कि लगे उड़ने। नहीं फिकर मत करो, बताओ मुझे क्या करना है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। एक तरफ नील जो मुझसे बेहद प्यार करता है और दूसरी तरफ नाहर और उनका परिवार कितनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। फिर मम्मी पापा कितने खुश हैं इस रिश्ते से। ये कैसी उलझन है भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। क्या करूं मैं? वंदे पद्मकराम प्रसन्न वदनाम सौभाग्यदाम भाग्यदाम हस्ताभ्याम भयप्रदाम मणिगणैर नानाविधैर भूषिताम भक्ताभीष्ट फलप्रदाम हरिहर ब्रह्मादिभिः सेविताम वंदे पंकज शंख पद्मनिधिभिः युक्ताम सदा शक्तिभिः। नमस्ते पुजारी जी। जीते रहो बेटा। चीनू नहीं दिखाई दे रहा? चीनू तो यहाँ पर नहीं है, वो तो घर पे है बेटा। चीनू घर पर है? उसने तो मुझे यहाँ मैंने बुलाया नहीं।